गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम रिंकू पारिक, योर मैथ टीचर फ्रॉम सरदार पटेल पब्लिक स्कूल। टुडे वी कंटिन्यू आवर चैप्टर थर्ड, सबट्रैक्शन फॉर क्लास सेकंड। हमने फर्स्ट क्वेश्चन लास्ट वीडियो में कर लिया था, वर्ड प्रॉब्लम का एक्सरसाइज 3.7 का किया था ना लास्ट वीडियो में। अब सेकंड क्वेश्चन रीड कर रही हूँ मैं, आप लोग अपनी बुक ओपन करोगे। सेकंड क्वेश्चन है, ए स्कूल हैड 782 स्टूडेंट्स। एक स्कूल है, जैसे अपना स्कूल है वैसे एक कोई स्कूल है, उसमें कितने स्टूडेंट्स हैं? 782, आउट ऑफ विच 351 वर गर्ल्स। मतलब जो 782 स्टूडेंट्स हैं उनमें से गर्ल्स कितने हैं? 351। हाउ मैनी बॉयज़ वर देयर इन द स्कूल। अब हमें ये देखना है कि उस स्कूल में बॉयज़ कितने हैं, मतलब गर्ल्स के नंबर हमें दिए हुए हैं और बॉयज़ की काउंटिंग पूछ रहे हैं, यानी बॉयज़ कितने हैं। तो आराम से सोल्व कर सकते हैं ना, मतलब टोटल स्टूडेंट्स दे रखा है, टोटल स्टूडेंट्स में से हम गर्ल्स को माइनस कर देंगे तो जो नंबर आएगा वो बॉयज़ का होगा। तो हमने यहाँ राइट कर दिया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने दे रखे हैं क्वेश्चन में? 782 है ना, और फिर नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं? 351। अब हम क्या करेंगे, इनको माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे वंस प्लेस पे, पहले जो वंस प्लेस पे डिजिट है उनको राइट कर देंगे, फिर टेंस वाली, फिर हंड्रेड वाली, कर दिया राइट। अब इनको माइनस करेंगे तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? पहले वंस प्लेस से स्टार्ट करेंगे। तो वंस प्लेस में क्या है, 2 - 1 हो जाएगा, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा। 8 - 5 कितना, 8 में से 5 माइनस करेंगे तो 3, और 7 - 3 - 4 कितना आंसर आया हमारे पास? 431। तो ये जो आंसर आया ये किसका नंबर होगा? ये होगा बॉयज़, यानी उस स्कूल में 431 क्या है? बॉयज़ है। हो गया कंप्लीट। अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन रीड करते हैं बुक में से। अलका हैड 443 स्टैम्प्स इन हर कलेक्शन। स्टैम्प्स का मतलब होता है टिकट, उसके पास इतने टिकट हैं, कितने? 443। शी गेव 185 स्टैम्प्स टू अमित। उसने 185 स्टैम्प्स हैं वो अमित को दे दिए। हाउ मैनी स्टैम्प्स आर लेफ्ट विद अलका। अब अलका के पास कितने स्टैम्प्स हैं, तो क्या करेंगे, उसके पास जो टोटल स्टैम्प्स थे पहले वो लिख लेंगे, टोटल स्टैम्प, टोटल नंबर ऑफ स्टैम्प्स 443, फिर नंबर ऑफ स्टैम्प्स गेव टू अमित। अमित को कितने दिए, क्वेश्चन में लिख रखा है ना, शी गेव 185 स्टैम्प्स टू अमित, तो अमित को कितने दिए? 185। अब हम क्या करेंगे, जो टोटल स्टैम्प्स है उसमें से उसने जितने अमित को दिए उनको माइनस कर देंगे, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो अलका के पास रह जाएंगे। तो माइनस करते हैं, डिजिट राइट कर दिया हमने ऊपर, तो क्या कर दिया, जो टोटल नंबर है वो राइट कर दिया, और नीचे जो अमित को दिए हैं वो। अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो वंस प्लेस पे पहले देखते हैं डिजिट कितने हैं, 3 और 5। 3 में से 5 माइनस हो सकता है? नहीं होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से कैरी, तो बोरिंग लेंगे तो यहाँ कितना, 4 - 1 करेंगे तो 3, और यहाँ अपने पास आ जाएगा 13 है ना। इसमें 10 ऐड करते हैं, इससे 1 कैरी लेते हैं, तो हमने सबट्रैक्शन में पढ़ा है। तो फिर अब 13 में से 5 माइनस करना है हमें, तो 13 में से 5 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 5 से आगे काउंटिंग करेंगे 13 तक, तो आंसर आ जाएगा अपने पास 8 हमने यहाँ राइट कर दिया। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये अब ये डिजिट हमें काम में लेनी है ना, जो बॉक्स में लिखी है, अब इससे कोई मतलब नहीं है, अब जो बॉक्स में लिखी है वो डिजिट काम में लेनी है। अब 3 में से 8 माइनस करना है, हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि 3 8 से छोटा है, तो वापस इससे 1 कैरी लेंगे तो यहाँ तो 3 हो जाएगा, और यहाँ 13। अब 13 में से 8 माइनस हो सकता है, आराम से हो सकता है ना, 13 बड़ा है 8 से, तो 13 में से 8 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा अपने पास, 5। 8 से आगे काउंटिंग करेंगे हम 13 तक, 9 - 10 - 11 - 12 - 13 कितना, 5, तो यहाँ हम 5 को राइट कर देंगे। फिर अब 3 - 1 हो जाएगा, आंसर आ गया 2। तो ये जो आंसर आया ये हम यहाँ राइट कर देंगे, नंबर ऑफ स्टैम्प्स लेफ्ट विद अलका, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 258। अब इतने स्टैम्प्स हैं वो अलका के पास रह जाएंगे। फिर फोर्थ क्वेश्चन रीड करते हैं, ए शॉपकीपर हैड 83 कैंस ऑफ कोक। एक शॉपकीपर, उसके पास 83 डिब्बे हैं कोक के, ही सोल्ड 35 कैंस, उसने 35 कैंस है वो बेच दिए। हाउ मैनी कैंस आर लेफ्ट विद द शॉपकीपर। शॉपकीपर मतलब दुकानदार, जानते हो ना आप, शॉप जो शॉप पे बैठता है उसको बोलते हैं शॉपकीपर। तो हाउ मैनी कैंस आर विद द शॉपकीपर, अब शॉपकीपर के पास कितने कैंस रह गए, तो पहले टोटल